जल प्रलय। बनेच समय के बाद संसार में बनेच मन से रहत रहिन, ओ मन बनेच दुष्ट और उपद्रवी हो गए रहिन, सब कुछ अतकी बुरा हो गए रहिस कि परमेश्वर हर आखिर में निर्णय लीस कि एक ठन बड़खा जल प्रलय ले कि पूरे संसार ला नष्ट कर दिए जाए। लेकिन परमेश्वर नूह ले खुश रहिस, ओहर एक जन धर्मी मन से रहिस जोन दुष्ट मन से मन के मांझा मा रहत रहिस। परमेश्वर हर नूह ला बताइस कि ओहर एक ठन विशाल जल प्रलय लाए वाला है, एकर खातिर ओहर नूह ले एक ठन बड़खा डोंगा बनाए बर कहिस। परमेश्वर हर नूह ला लगभग 140 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 13.5 मीटर ऊंचा डोंगा बनाए बर कहिस। नूहला ओला लकड़ी ले बनाए बर रहिस और ओमा 3 तल्ला, बनेच कमरा मन, एक ठन छत और एक ठन खिड़की बनाए बर रहिस। उ डोंगा नूह, ओकर परिवार और भुइया के हर प्रकार के जानवर मनला उ जल पर ले बचाए के राखी ही। नूह हर परमेश्वर के आज्ञा मानिस, ओहर और ओकर तीनों बेटा मन हर उसनेच डोंगा बनाइन जैसन परमेश्वर हर ओ मल्ला बताए रहिस। काबर की उ डोंगा बनेच बड़खा रहिस, इकर बर ओला बनाए बर बनेच बछर लागिस। नूह हर मनसे मल्ला आही ती जल प्रलय के बारे में चेतावनी दिस और ओ मल्ला परमेश्वर के अंग लौटे बर कहिस। लेकिन ओ मन हर ओकर ऊपर विश्वास नी करिन। परमेश्वर हर नूह और ओकर परिवार ला अपन बर और जानवर मन बर पर्याप्त भोजन जमा करे के घोले आदेश दिस। जब सब कुछ तैयार हो गिस तहां परमेश्वर हर नूह ले कहिस कि अब ओला, ओकर पत्नी ला, ओकर तीनों बेटा मन ला और ओ मन के पत्नी मन ला सब मिलके 8 झनला डोंगा के भीतर जाए के समय रहिस। परमेश्वर हर नाना प्रकार के जानवर और चिड़ई के नर और मादा ला नूह ठी भेजिस ताकि ओमन डोंगा मा जा सके और जल प्रलय के दौरान सुरक्षित रखे जा सके। परमेश्वर हर ऐसने नाना प्रकार के जानवर मन के 7 नर और मादा मल्ला भेजिस जोन ला बलि चढ़ाए बर उपयोग करे जा सकत रहिस। जब ओमन सब डोंगा में चढ़ गिन तब परमेश्वर स्वयं डोंगा के दरवाजा ला बंद कर दिस। तहां वर्षा होए बर शुरू हो गिस और वर्षा होतेच रहिस, होतेच गिस। बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होतेच रहिस। भुइया के भीतर ले घुले पानी भुलका फुटत निकरे लागिस। पूरा संसार के सब चीज मन पानी में बुड़ गिस। इकरा तक की ऊंचा ले ऊंचा पहाड़ घोले। केवल उ मनसे मन और जानवर मल्ला छोड़ के जोन मन डोंगा मा रहिन हर एक चीज जोन सूखा भुइया मा रहिन मर गिन। लेकिन जोन मनसे मन और जानवर मन डोंगा मा रहिन ओमन बांच गिन। वर्षा के रुक जाए के बाद 5 महीना तक उ डोंगा पानी मा तैरत रहिस और उस समय के दौरान पानी कम होत रहिस। तहां एक दिन उ डोंगा एक ठन पहाड़ के टीप मा जाके टिक गिस। लेकिन संसार अभी घोले पानी ले भरे रहिस। 3 महीना के बाद पहाड़ मन के टीप मन दिखाई देन लागिन। फेन और 40 दिन मन के बाद नूह हर एक ठन कौवा ला ई देखे बर बाहर भेजिस कि का पानी हर सूख गे रहिस कि नी। उ कौवा हर सूखी भुइया के खोज मा एती ओती उड़त रहिस, लेकिन ओला ऐसने कोनो जगह नी मिलिस। फेन बाद मा नूह हर एक ठन पेरुआ ला बाहर भेजिस, लेकिन ओला घोले कोनो सूखी भुइया नी मिलिस। इकर बर ओहर नूह ठी लौट के आगिस। एक सप्ताह के बाद ओहर उ पेरुआ ला दुबारा भेजिस और ओहर अपन चोंच माँ जैतून के एक ठन नवा पान ला लेके ऊपर वापस आई। पानी सुखत रहिस
और पौधा मन फेन ले जामे बर लागिन। नूह हर एक सप्ताह और इंतजार करिस और तीसर घा उ पेरुआ ला बाहर भेजिस। ई घा ओला ठहरे के जगह मिल गिस और ओहर वापस नी आइस। पानी सुखत रहिस। 2 महीना के बाद परमेश्वर हर नूह ला कहिस, अब ते और तोर परिवार और सब जानवर डोंगा ले निकर आव, बनेच ले संतान मन और नाती पोता उत्पन्न कर और पृथ्वी ला भर द। एकर बर नूह और ओकर परिवार डोंगा ले बाहर निकर आइन। नूह के डोंगा ले बाहर आए के बाद ओहर एक ठन बेदी बनाइस और बलि चढ़ाए लायक सब प्रकार के जानवर मन ले कुछ ला ले के बलि चढ़ाइस। परमेश्वर उ बलि ले खुश होइस और नूह और ओकर परिवार ला आशीष दिस। परमेश्वर हर कहिस, मैं प्रतिज्ञा करत हूँ कि मनसे मन के द्वारा करे जाए वाला बुरे काम मन के खातिर मैं फेन कभू भुइया ला श्राप नि दौ और नित जल पर लय ले संसार ला नाश करी हूँ, काबर की मनसे बचपन के समय ले पापी हैं। फेन परमेश्वर हर अपन वाचा के चिन्ह के रूप में पहला मेघ धनुष ला बनाइस। जब कभू घोले आकाश में मेघ धनुष दिखाई देते तब परमेश्वर सुरता करी कि ओ हर का प्रतिज्ञा करे है और उसने ओकर मन से मन घोले सुरता करी। उत्पत्ति अध्याय 6-8 बाइबिल के एक ठट कहानी।